मेजर अहमद बेग जी, चेयरमैन साहब, आपके ज़रिए मैं हुकूमत को बताना चाहता हूं कि जब भी बारिश हो रही है शहर हैदराबाद में, और ख़ास तौर पर जो सीवरेज सिस्टम है, सीवरेज लाइन है, ओवरफ्लो होकर रोडों में से पानी बह रहा है, इसकी वजह एक ही है साहब कि हर साल जो डिसिल्टिंग होती थी, जो फुल थ्रो, कई सालों से ये डिसिल्टिंग नहीं हो रही है। इसकी वजह से आवाम को तकलीफ़ हो रही है, ट्रैफिक जाम हो रही है। और दूसरी चीज़ बताना चाहता हूँ कि वाटर वर्क्स की तरफ से जो पोल्यूशन के वर्क्स है, पोल्यूशन के वर्क्स विद इन 24 आवर्स में वो कंप्लेंट को अटेंड करके वो पोल्यूशन दूर करना है। ऐसा हो रहा है कि 8-8 दिन, 10-10 दिन ये पोल्यूशन के वर्क्स नहीं हो रहे हैं। इसकी वजह से आवाम को गंदा पानी मिलने की वजह से कई बीमारियां हो रहे हैं। तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि इसके ऊपर भी हुकूमत से पोल्यूशन के जो वर्क्स है 24 आवर्स में कराने से बहुत बेहतर रहेगा। रही दूसरी बात, जैसा कि हर सेक्शन रहता है वाटर वर्क्स का, वहाँ पर एक एट वो गाड़ी के ऊपर लेबर नहीं रह रहा है बाद जगह, और बाद जगह ड्राइवर नहीं आ रहा है, और बाद जगह गाड़ी जा रही है सुबह 8 बजे से लेके शाम में 5 बजे तक, वो करना है 12 या 2 बजे पानी ख़त्म हो गया बोलकर ये एटे गाड़ी चली जा रही है। कई जगह ओवरफ्लो के सीवरेज लाइन के प्रॉब्लम्स है, तो आपके ज़रिए मैं ये भी बताना चाहता हूँ। दूसरी चीज़, ख़ास तौर पर जो बस्तियों में, कॉलोनियों में पानी जब सप्लाई रहती है तो वाटर वालों में से और कई जगह लीकेज हो रहा है, उसके ऊपर भी वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स लेते हुआ काम करते हैं। हम लोग कई एरियों में देखते हैं कि पानी ऐसा बहता है कि नदी बहना, तो उसके प्रॉब्लम रहता है बहता, उसकी वजह से पीने का पानी रोड पर बहता है। तो इसके ऊपर भी ख़ास तौर पर मैं आपके ज़रिए बताना चाहता हूँ हुकूमत को। और एक चीज़ साहब, ये इसके टाइम पर जो DRF के टीम लगाए जा रहे हैं, GHMC बहुत पैसा खर्चा करा है उसके ऊपर, तो ये जो सिस्टम है, ये लोग, हम कई बार मैं शहर में बहुत फिरता हूँ, देखता हूँ, जहाँ देखे वहाँ ये लोग चौरसों पे बैठे हुए रह रहे हैं, क्या बोले तो कंप्लेन आया तो हम जाएंगे बोलकर। तो इसके ऊपर भी जब हुकूमत पैसा खर्चा कर रही तो इसका सिस्टम एक सही बनाकर, जैसा कि GHMC है, GHMC के अंडर है ये, अंडर इंजीनियर है, उसको ये कंप्लेंट जाता है, तो उनसे उनका कोऑर्डिनेट करने से आवाम को सहूलत होगी साहब। तो मैं आप ये से यही हुकूमत को बोलना चाहता हूँ कि जब वाटर वर्क्स में इतना करोड़ों रुपए का बजट हुकूमत दे रही है, तो फिर आवाम। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। ऑनरेबल मिनिस्टर अध्यक्ष बेगर जब नोट जस्ट करना अध्यक्ष एवीएन।